देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर। बदायूं के उघैती थाना पुलिस ने मनोहर हत्याकांड का खुलासा कर हिस्ट्री सीटर समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले में पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस पूछताछ में हिस्ट्री सीटर प्रेम पाल चौधरिया ने बताया कि बीती 3 मार्च को वर्तमान प्रधान खुशी राम शाक्य से पुरानी दुश्मनी के चलते उसे फंसाने के लिए योजना बनाते हुए साथी सतपाल भारत और रूप राम के साथ मिलकर मनोहर उर्फ मनोज मंत्री का पहले अपहरण किया, जिसके बाद उसके फोन से उसके भाई सुनील को फोन कराया कि मेरा अपहरण खुशी राम व उसके अन्य दो साथियों द्वारा करा लिया गया है, जिससे मनोहर के घर वालों को लगे कि वारदात को अंजाम ग्राम प्रधान खुशी राम शाक्य व उसके साथियों ने दिया है। फिर मृतक को परिजनों को पुलिस के पास जाकर उसका नाम बताते हुए खुशी राम शाक्य व अन्य दो साथियों को जेल भिजवा देंगे। बता दें कि बीती 3 मार्च को ग्राम रसोई कुंदन के खेत के पास बनी चक्रोट पर मनोहर उर्फ मनोज मंत्री को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था और हत्यारे फरार हो गए थे। घटना के बाद मृतक मनोहर के भाई सुनील कुमार पुत्र स्वर्गीय धर्मपाल सिंह निवासी ग्राम रियोनिया थाना उघैती ने पुलिस को सूचना दी कि रात में मेरा सगा भाई मनोहर उर्फ मनोज मंत्री घर से लापता है। तलाश करने पर 3 मार्च को सुबह रियोनाई कुंदन खेत के चक्रोट पर उसका शव पड़ा मिला था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस व स्वाट सर्विलांस की टीम संयुक्त टीम ने घटना का खुलासा कर हिस्ट्री सीटर प्रेम पाल चौधरिया पुत्र आसाराम धोबी गांव रियोनिया दलाई सत्यपाल पुत्र मटरूलाल निवासी खडुआ थाना उघैती व भरतपुर निवासी गांव भवीपुर थाना इस्लाम नगर आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया, जबकि रूपराम पुत्र कोमल निवासी ग्राम खडुआ थाना उघैती फरार बताया जा रहा है। बदायूं कप्तान ओपी सिंह ने घटना का खुलासा करने वाली पुलिस व स्क्वाड सर्विलांस की संयुक्त टीम को नगद 15,000 रुपये पुरस्कृत किया। ये जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 3 मार्च को प्रातः जनपद बदायूं के उघैती थाना अंतर्गत रनाई कुंदन गांव के निवासी मनोहर की डेड बॉडी प्रातःकालीन मिली थी और 2 तारीख की रात में अपने घर से अपने ट्यूबवेल के लिए निकले थे और गायब थे। प्रातःकालीन इनकी डेड बॉडी वहीं गांव के पास थोड़ी दूर चक्रोट से प्राप्त हुई थी और वहां पे घटनास्थल निरीक्षण के बाद हमारी सर्विलांस की टीम, हमारी स्वाट की टीम और थाना उघैती की टीम SPRA और CO विलसी के नेतृत्व में लगी तो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और जमीनी इंटेलिजेंस के माध्यम से इस घटना का खुलासा हुआ और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक हिस्ट्री शीटर जिनके 23 मुकदमे हैं प्रेमपाल वहीं के निवासी हैं, सत्यपाल और भारत, 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और रूप राम इसमें अभी नहीं मिले हैं, जिनके पीछे हमारी टीम लगी हुई है। इन लोगों ने, जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि उस समय मृतक के परिजनों ने बताया था कि रात्रि में जब ये गायब थे तो रात्रि में टेलीफोन के द्वारा मृतक के टेलीफोन से ही अभियुक्तगण ने टेलीफोन कराया था कि उनको कुछ लोगों ने पकड़ लिया है, लेकिन ये बात नहीं पता चल पा रही थी कि कारण क्या है। जब इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई तो इन्होंने कबूल किया और उन्होंने बताया कि एक गांव के ही खुशी राम को फंसाने के उद्देश्य से इन्होंने ये हत्या की और ये फोन भी उसी उद्देश्य से कराया था और इसलिए इसको मारा था कि इसको मार देंगे और अपने अपोनेंट खुशी राम को इसकी हत्या के अभियोग में फंसा देंगे। ये हमारी टीम ने अच्छा इन्वेस्टिगेशन करके बहुत ही कम समय में इसका खुलासा किया है। इसके उत्साहवर्धन के लिए 15,000 रुपये हमारी तरफ से कैश रिवार्ड दिए जाएंगे। एक अच्छा इन्वेस्टिगेशन हुआ है और एक हत्या के अभियोग का खुलासा हुआ है।